नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लियर नॉट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंटिंग की दो टेक्नोलॉजीज के बारे में, सब्लिमेशन और DTF प्रिंटिंग के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ में। जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम एक प्रिंट निकालेंगे सब्लिमेशन प्रिंटर से, फिर उसको एक हमारी ब्लैक कलर की टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट निकालते हैं। हमने सबसे पहले एक फाइल को फोटोशॉप में ओपन किया है, इसको एक सब्लिमेशन प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोसेस को। इसे हम प्रिंट की कमांड दे रहे हैं। का L1800 प्रिंटर है जो कि एप्सन का है, जिसकी कैपेसिटी A3 प्रिंट। चलो रुको, ये हम एप्सन के L1800 जो हमारे पास है, इससे प्रिंट हमने जो कमांड दी है सब्लिमेशन की, उसे इस प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंट की कमांड प्रोसेस हो चुकी है और जैसे ही इसका प्रिंट आ जाएगा, हम इसे ट्रांसफर करेंगे हमारे टी शर्ट के ऊपर। तो चलिए हम आपको क्लोजली दिखा देते हैं कैसे ये प्रिंट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा डिज़ाइन है, इसे एक पेपर के सब्लिमेशन पेपर पर ये प्रिंट कर रहा है। ये देख सकते हैं हमारा फाइनली प्रिंट आ चुका है सब्लिमेशन पेपर के ऊपर। अभी इसे हम ट्रांसफर करेंगे टी शर्ट पर। तो चलिए हम उससे पहले हम एक DTF का भी प्रिंट ले लेते हैं, फिर दोनों के बीच कंपेरिजन आपको करके दिखाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम DTF का एक प्रिंट ले लेते हैं और ये हमने DTF के सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी जो फाइल है उसे ओपन किया है। अब इसे प्रिंट कमांड देंगे और इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। अभी हमें इसे प्रिंट की कमांड दे दी है। अब ये प्रोसेस होकर हमारे जो DTF प्रिंटर मशीन है उससे प्रिंट होगी, तो उसकी प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी DTF मशीन है। जैसा कि हमने वहाँ से इसे प्रिंट की कमांड दी है, इसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर की एक हमारे प्रिंट आउट के ऊपर एक लेयर आती है। ये लेयर हमारे कलर को एक बेस प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हमारे कलर से जो प्रॉपर निखर के आते हैं, ये हमारे ओवन में जाएगी और ये हमारा फाइनल प्रिंट आएगा, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे टी शर्ट पर। देख सकते हैं ये मशीन इसे पाउडरिंग कर रही है। इस पाउडर को, जो एक्स्ट्रा पाउडर है, उसे शेक करके निकाल रही है इससे। फिर ये हमारा ओवन पार्ट है, जिसके अंदर हमारे जो डिज़ाइन के ऊपर जो पाउडर लगा हुआ है वो यहाँ पे मेल्ट होगा। ये जो पाउडर है, ये एक तरीके से एडहेसिव है, जो हेल्प करता है हमारे डिज़ाइन को हमारे जो कॉटन टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होने में। हमारा प्रिंट ये फाइनल रेडी हो चुका है, जो ओवन में हीट होने के बाद बिल्कुल रेडी है ट्रांसफर होने के लिए टी शर्ट के ऊपर। तो ये प्रिंट हमारा निकल चुका है, इसे हम कट करके रोल से हमारी जो भी टी शर्ट या किसी भी फैब्रिक के ऊपर हम इसे ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा फाइनल प्रिंट आ चुका है, अब इसे हम रोल से कट करके हमारे टी शर्ट के ऊपर इसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डिज़ाइन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों प्रिंट आ चुके हैं। ये हमारा DTF से प्रिंट निकला है, ये हमने सब्लिमेशन पेपर के ऊपर प्रिंट निकाला हुआ है। और स्टार्ट करते हैं इसे ट्रांसफर करके, हम आपको दिखाते हैं। ये हमने एक टी शर्ट को एक सही से पोजिशन करके हीट प्रेस के ऊपर हमने रख लिया है। अब इसे सबसे पहले हम इसे 5 सेकेंड के लिए हीट प्रेस के नीचे रखेंगे, जिससे होगा क्या कि इसके ऊपर जो रिंकल्स होंगे या फिर किसी तरह के कोई पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है ये टी शर्ट। अब इसके ऊपर जो हमने ये हमारा सब्लिमेशन से प्रिंट लिया हुआ है, इसे हम ब्लैक टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट की कैसा इसका रिजल्ट आएगा। प्रिंट को हमने पोजिशन कर दिया है बिल्कुल सेंटर में। इसे हम टेम्परेचर 175 पर 20 सेकेंड के लिए हीट देंगे। जैसा कि ये टाइम हो चुका है इसका, ये हमारी टी शर्ट जिसको हमने हीट दी है, अब इसे हम ट्रांसफ़र का रिजल्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंट अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिसे हम प्रूव करना चाहते थे कि हमारी जो सब्लिमेशन की जो प्रिंट्स हैं वो डार्क कलर की टी शर्ट के ऊपर या ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन एक बार आपको फिर दोबारा टेस्ट करके दिखा देते हैं, इसे दोबारा एक बार हीट दे के देखेंगे, मे बी शायद ये ट्रांसफ़र हो। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं इसे दोबारा से इसे पोजिशन करके रख रहा हूँ प्रिंट को, दोबारा इसे 20 सेकेंड के लिए हीट दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। जैसा कि टाइम पूरा हो चुका है, अब फिर से इसका रिजल्ट का हम, जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट अभी भी, हमारा जो प्रिंट है अभी भी सब्लिमेशन पेपर पर ही है, ये भी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हुआ है टी शर्ट के ऊपर। सो अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं DTF प्रिंट का। तो जैसा ये देख सकते हैं, हमारे हाथ में ये DTF प्रिंट है, अब इसे हम ट्रांसफर करके देखते हैं इस टी शर्ट के ऊपर और रिजल्ट को मेजर करते हैं। ये हमारा प्रिंट, हमने इसे सेंटर में पोजीशन किया, सेम 170 हीट पर हम इसे अगले 15-20 सेकेंड्स के लिए इसे हीट देंगे। जैसा कि टाइम पूरा हो चुका है,
ये हमारा, हमने इसे 170 पर 20 सेकंड के लिए इसे हीट कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे, फिर इसे पील करके हम आपको दिखाएंगे और रिजल्ट देखते हैं कि ये ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। चलिए इसे हम पील करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसको हम पील कर सकते हैं, और जैसा हमारा एग्जैक्ट प्रिंट था, जैसे उसके कलर थे, सेम एग्जैक्ट इसका रिजल्ट आया है। ये हमारा प्रिंट, बहुत ही स्मूथ इसके फिनिश है। इसे हम बहुत ही आसानी से फील कर सकते हैं कि इसका जो फील है बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर हुआ है। इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो इसकी वॉशिंग जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटिंग। और वहीं हम अगर इसकी बात करें सब्लिमेशन प्रिंट, जिसे हमने इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, जो अभी भी मेरे हाथ में, इसे मैंने कई बार इसे कोशिश की है लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो सब्लिमेशन का ड्रॉबैक ये है कि हम इसे डार्क कलर्स में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया, सब कुछ हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो। और आगे हम आने वाले दिनों के अंदर कंटिन्यूस में वीडियो आपको और भी डीटीएफ के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।